हाय, मैं वर्षा द्वारसी और वेब दुनिया 18 साल कंप्लीट कर लिया, इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आई होप आप लोग और 18 20 100 साल तक करते रहे, लगे रहे इस तरह और हमारी बातें होती रहे। गोलमाल फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म गोलमाल अगेन जल्द ही रिलीज होने वाली है। 11 साल से दर्शकों को हंसाने का काम रोहित शेट्टी इस सीरीज के जरिए कर रहे हैं। हाल ही में हुए एक इवेंट में गोलमाल अगेन की टीम पहुंची और फिल्म के बारे में बातचीत की। बातों ही बातों में फिल्म की हीरोइन परिणीति चोपड़ा ने फिल्म के नाम से जुड़ा खुलासा कर दिया। परिणीति ने बताया कि फिल्म गोलमाल का नाम गोपाल, लक्ष्मण, माधव और लक्की के नामों के पहले अक्षरों से बना है, जो कि फिल्म के मुख्य किरदार हैं। अजय देवगन ने मजाकिया अंदाज में कहा कि फिल्म में पहले कई स्टार्स थे, अब फिल्म में बहुत से अन्य लोग भी जुड़ गए हैं, अब इसका नाम गोलमाल से बदलकर कुछ और रखना पड़ेगा। निर्देशक रोहित शेट्टी ने भी शूटिंग में हुए अनुभवों को बताते हुए कहा कि पुराने एक्टर्स ने नए एक्टर्स को बहुत परेशान किया। जब पहले दिन नील नितिन मुकेश सेट पर पहुंचे थे, तब उन्हें देखकर अरशद वारसी चांदी जैसा रंग है तेरा गाना गाने लगे, इससे नील बहुत नर्वस हो गए थे। लेकिन मस्ती का दौर चलता गया और फिल्म हमें गुदगुदाने के लिए तैयार है। यह फिल्म 20 अक्टूबर को रिलीज होगी।